पब्लिक टीवी आपकी आवाज। होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम की तानाशाही, नगर निगम की तानाशाही, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम की तानाशाही, नगर निगम की होश में आओ, होश में आओ। सुधांशु जी द्वारा पार्षदों का अपमान नहीं चलेगा। तो हम चाहते हैं कि मान्यवर कि आप हमारे लिए जाएं और अपने हाथों से ये ज्ञापन हमारे लिए जिससे हमारा हौसला बढ़ जाए। माननीय नगराय जी, पार्षद एकता, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, नगर निगम, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस पद पर अपनी समस्त माननीय पार्षदगण अपने द्वारा जनहित कार्य हेतु अपने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर मौके पर सुधांशु जी द्वारा माननीय पार्षदों के अपमान पर नगर निगम की एवं अपने साथ भेदभाव एवं विकास कार्यो में अपने साथ हुए भेदभाव से अत्यंत क्रोधित हुआ जी द्वारा पार्षदों के अपमान में दी गई IDRS की संख्या इसमें दर्ज है का जवाब आज्ञा का संज्ञान लेकर सुधांशु जी से गलती स्वीकार कराए एवं इसकी पुनर्वृत्ति न होना सुनिश्चित कर पत्र पर अंकित माननीय पार्षद गणों के वार्डों में सर्वे कराकर टूटी सड़कों गलियों के पेंचवर मरम्मत आदि कार्य अतिशीघ्र कराए। पांचवा बिंदु है कि माननीय अपन नागराय जी द्वारा सफाई नायक महोदय के ट्रांसफर संबंधी लेटर को होल्ड करने का कारण व वर्तमान में भी उन्हें ट्रांसफर न करने का कारण सहित शीघ्र ट्रांसफर लेटर जारी किया। IDRS की दो ये संख्या है दोनों ही एक समस्या से संबंधित है। इसका संज्ञान लेकर भी संबंधित द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन से पीछा छुड़ाने हेतु गुमराह करने संबंधित अधिकारी महोदय द्वारा महोदय पर कार्रवाई करते हुए पूर्व की भांति सफाई व्यवस्था कराई जाए। पत्र पर समस्त वार्डो में माननीय पार्षदगणों की उपस्थिति में संबंधित महोदय द्वारा प्रत्येक वार्ड में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए गए कार्यों व चालू कार्य की स्थिति। देखिए आज जनता मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि हमारे माननीय पार्षदगण अपने साथ भेदभाव व दलित मुस्लिम पिछड़े पार्षदों के आधार पर विकास कार्यों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर विनोद अग्रवाल जी द्वारा अपने चहेते पार्षदों के विकास कार्य 50-50 लाख 60-60 लाख रुपये की मंजूरी दी जा रही है जबकि जहाँ मानक और आवश्यकता है उनकी अनदेखी करके उन फाइलों की अस्वीकृति कर दी जा रही है क्योंकि हम दलित हैं, हम मुस्लिम हैं, हम पिछड़े हैं, इस आधार पर हमारे साथ नगर निगम भेदभाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ और सबका विकास सबका विश्वास ही अपने आप में एक खोखला नारा है जो एक षड्यंत्र के तहत हम मुस्लिम और दलित पिछड़े पार्षदों के साथ एक भावना अपनाई जा रही है ताकि हम लोग अपने वार्डों में जो जनता ने हमें चुना जिस विश्वास के साथ उस विश्वास पर खड़े ना उतर सकें और आने वाले वक्त में हम जिस जिस राजनीतिक पार्टी के दलों से अपने प्रतिनिधि चुने गए हैं उन दलों की छवि को धूमिल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। देखिए ZSO माननीय सुधांशु जी द्वारा एक अपनी IGRS की आख्या में कहते हैं कि मेरे ऑफिस में कुल दो कुर्सी हैं, मेरे ऑफिस में दो कुर्सियां हैं तो पांच पार्षद अगर उनसे मिलने पहुंच गए तो वो कुर्सी कहां बैठेंगे। तो नगर निगम की ये भयावह स्थिति और सुधांशु जी द्वारा पार्षदों का अपमान किसी भी सूरत हाल में पार्षद एकता उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्षद एकता संगठन एक नई शुरुआत है, हम किसी भी पार्षद के साथ अगर उसका अपमान या उसके साथ अगर नाइंसाफी हुई तो हम पार्षद लोग कानून का पालन करते हुए जो भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम ईंट से ईंट बजाने का काम नगर निगम का करेंगे और अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए हम ऐसी आवाज को बुलंद करेंगे और 3 कार्य दिवस के अंदर अगर हमारे दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम चेतावनी देते हैं कि हम आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।